अली भाई, इस्लाम शायरी के बारे में क्या कहता है? हमारे माशरे में अक्सर ऐसे मतलब शायर हजरात मिलते हैं जिनको बड़ा अप्रिशिएट भी किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ इश्क मजाजी पर लिखते हैं, सिर्फ अपने महबूब के बारे में सारी ज़िंदगी लिख के मतलब लिखते हैं, अपना टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, और हमारे माशरे में उनको बड़ा अप्रिशिएट भी किया जाता है, तो इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? देखें, अगर शायरी के अंदर झूठ नहीं है ना, तो वो शायरी आप कर सकते हैं। सबसे बेहतर तो ये है कि इश्क हकीकी पे हो, नात की शायरी हो, वो तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत हसन इब्न साबित नात लिखते भी थे, पढ़ते भी थे। कुरान में पूरी सूरत है अश्शुअरा, उसके एंड पे अल्लाह ताला ने शुअरा को कंडेम किया है कि इनकी अक्सरियत जो है वो हर वादी में घूमते हैं, वो थ्रेटिकल बातें करते हैं ना, चांद तोड़ के ले आऊंगा तेरे लिए। चांद कहाँ से तोड़ के लाना है भाई तुमने? ये इस तरह की, तो इसको अल्लाह ताला ने कहा कि बस ये थ्रेटिकल बातें करते हैं, लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो ईमान ले आए, नेक अमल करें, उनको इस्तिस्ना हासिल है। यानी अगर अच्छी शायरी है, जिसमें डॉक्टर इकबाल ने की है, फैज़ अहमद फैज़ की शायरी मुझे बहुत पसंद है, हम भी देखेंगे, बड़ी अच्छी इनकलाबी शायरी है, जिससे कोई माशरे में कोई बेहतरी आ रही है, इस तरह की शायरी, ये हकीकत बात है कि शायरी जो है वो जादू का सा असर रखती है। नबी इस्लाम की जुबान पे फिल बदी जो रजस जारी हुआ है, अनन नबी उला कदिब अनबनु अब्दुल मुत्तलिब, कैसा जोड़ा है, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, और आप रजस पढ़ते हुए गजवा हुनैन में आगे चले गए। बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, बुखारी मुस्लिम में एक साहबी कहते हैं मैं नबी इस्लाम के पीछे सवारी पे सवार था, आपने मुझे कहा शेर सुनाओ, कहते हैं मैंने एक सुनाया, दो, सौ शेर कहते हैं मैंने एक मजलिस में सुनाए, लेकिन वो सारे दुनिया की बेसबाती पे तौहीद पे थे, किसी अरब शायर के थे, वो इश्किया शायरी नहीं थी। इस तरह की शायरी, इश्किया शायरी भी अगर कोई करता है तो बीवी के साथ करे ना, वो तो बीवी के साथ जो इश्क है वो इश्क मुजाजी नहीं है, वो इश्क हकीकी है, ये वो इश्क है जो हकीकी वाला है, ठीक है ना जी, वो वाला इश्क हकीकी करे। मिली तराने, ये शायरी अच्छी है। डॉक्टर इकबाल की शायरी में कई चीजें कुरान के फलसफे के एतबार से कमाल है, शिकवा जवाब शिकवा कमाल है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इस तरह की शायरी हो तो दुरुस्त है। बाकी जो शायरी है, जिस तरह की ये ऊट पटांग किस्म की शायरी जिसमें शिरकी अल्फाज हैं, आप देखें इंडिया के कई गाने हैं जिनमें बिल्कुल सराहतन शिर्क है, कुफ्र है भाई, इसको गुनगुनाना भी इस्लाम से इंसान को खारिज कर देगा, अगर उसे पता है कि वो क्या गुनगुना रहा है। सीधी सी बात है।